वेलकम टू पूनम की रसोई। आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए परफेक्ट ड्रिंक, ये आम पन्ना। ये मैंने 500 ग्राम कच्चे आम ले लिए हैं। सभी आम को इस तरह से टॉप पे से काट के छील लेंगे। सभी आम का इस तरह से छिलका निकाल लेना है। अब आम को रफली काटकर इसका पल्प निकाल लेते हैं। देखिए इसमें गुठली नहीं है, सीड को निकाल के हटा लेते हैं। सब काट लिए हैं। यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है, इसमें कटे हुए आम डाल देते हैं। साथ ही इसमें पानी डाल देंगे। पानी हमें उतना ही डालना है जिससे ये सारे आम ढक जाएं। यहाँ मेरा 1 लीटर के करीब पानी लगा है। आप देख सकते हैं आम के सारे पीसेस डूब गए हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, स्वाद अनुसार नमक, 1 कप इसमें भर के जाएगी चीनी, क्योंकि ये जो चीनी है इसी की मिठास आम पन्ना में रहेगी, हमें बाद में चीनी ऐड नहीं करनी है। बाकी आप चीनी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। हाई फ्लेम पे उबाल आने देंगे। हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह चलाते हुए पकने देंगे जिससे जो आम है वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ आम कितने अच्छे से मैश हो जा रहे हैं। जब इस तरह से मैश होने लग जाए तो समझिए ये पक गया है। अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक हो गई है। जार में डाल लेते हैं ग्राइंड करने के लिए। रोक रोक के इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड आम पन्ना तैयार है। आप इस मिक्सचर को 3 महीने भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब मन करे इसे बना के सर्व करें। तो आइए सर्व कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार ड्रिंक बनाने के लिए मैं इसमें 2 बड़े चम्मच ये मिक्सचर डाल रही हूँ। ये मिक्सचर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। कुछ पुदीना की पत्तियों को भी क्रश करके डाल देंगे। आइस क्यूब्स डाल देंगे और अब डाल देना है ठंडा पानी। मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए तैयार है ये तरोताज़ा कर देने वाली ड्रिंक। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। तो आप भी इस रेसिपी से आम पन्ना ज़रूर बनाएं। आपको भी ये बहुत बहुत पसंद आएगा। गर्मियों के लिए बेस्ट है ये।